आप देख पा रहे हैं ये चल भी रहे, काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। आप देख पा रहे गाइस काफी फास्ट चल रहा है। तो गाइस यार काफी दिन हो गया यार, 5 से 6 दिन हो गया कोई वीडियो नहीं आ पाया यार। उसका कारण जानते हो क्या है? उसका कारण यह है गाइस कि हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ पानी बरसा और आंधियाँ भी आई थी, जिससे हमारे बिजली के तार गिर गए थे और लाइट नहीं आ पाई, जिसलिए हमारा मोबाइल चार्ज नहीं पाया और उसी कारण से वीडियो नहीं बन पाया है। सो लाइट आने लगा है तो वीडियो भी आपको मिलने वाली है। सो 3 दिन पर यार एक वीडियो आपको मिल जाया करेगी, इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो यार आज के इस वीडियो में यार हमारे पास यहाँ पर 10 साल पुरानी अपाची बाइक का स्टार्टर, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये यार पहले मुझे लगता था ख़राब था, इसलिए इसको मैंने खोल के रिपेयर किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, अब ये चलने लगा है। सो यहाँ पर मैंने एक जो VCR होता है उसका कैसेट का यहाँ पर धुरा मैंने ऐड कर दिया, ताकि इसको हम घुमा सकें अच्छे से। और यहाँ पर यार इसको हम बहुत तेज़ी के साथ घुमाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और हमें ये यहाँ पर करंट देना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर प्लस वाला है और यहाँ पर हम कहीं पर भी एक वायर को टच करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर यार हम जैसे जोड़ेंगे तो यार इसको चलाने के लिए हमारे पास होना चाहिए 12 वोल्ट का बैटरी, जो इसको स्टार्ट कर पाएगा, और हमारे पास है नहीं 12 वोल्ट का बैटरी, तो इसके लिए यार मैं देसी जुगाड़ लगाकर 12 वोल्ट की बैटरी बना दूंगा और इसको चलाकर भी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में गाइस। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना, सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यार इसको अगले वीडियो में आपको जनरेटर भी इससे बनाकर दिखाने वाला हूँ। चाहे तो गाइस यार वैसे हम इससे कई जुगाड़ कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम अपने बाइक यानी साइकिल जो हमारा नॉर्मल से होता है उसको हम इलेक्ट्रिक बाइक बना सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं। सो वो तो बात अलग है गाइस, लेकिन अभी के वीडियो में यार हम इसको हम चला कर आपको दिखाते हैं, ताकि ये सही है या फिर नहीं ये आपको प्रूफ हो जाए, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार बिना किसी देरी करते हुए, तो चलिए फिर देखते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये आप डेमो देख रहे हो, ये स्टार्टर अपाची का सेल्फ है, जो इसको मैं साइड रखता हूँ यहाँ पर, और इसको चलाने के लिए बैटरी हम बना लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर है लिथियम आयन बैटरी 1850 लैपटॉप का बैटरी है, और यहाँ पर मैं इसका पावर चेक करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको यह प्रूफ हो जाए कि ये इसमें चार्जिंग है और सही में काम कर रहा है ये। तो यहाँ पर मैं जैसे इसमें टच करता हूँ तो आप रेटिंग देखना इसका। तो गाइस यार ये, तो गाइस यार आप देख पा रहे हैं इसका जो रेटिंग है ये 4.78 वोल्ट बता रहा है, यानी कि ये बैटरी हमारा फुल है इसका मतलब है, और ये फुल होने पर ऐसा ही हमें देता है इतना पावर। और इसको मैं साइड रखता हूँ, ये बैटरी फुल है। और यहाँ पर गाइस हमारे जो मोबाइल फोन है J7 प्राइम का, सैमसंग गैलेक्सी का, इसका बैटरी है जो कि ये 2000 mAh से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ कितना पावर इसमें है। तो गाइस यार आप देख पा रहे हैं इसका पावर जो है 4.45 वोल्ट है, इसका मतलब ये भी फुल है यार। और इसको मैं निकाल देता हूँ, अब हम जो दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं कितना पावर हमें दे रहा है। तो यहाँ पर इसका वाला जो ये माइनस पॉइंट है गाइस, इससे हम प्लस वाले पॉइंट पर अटैच कर देंगे सिंपली। और अब यार ये बन गया है एक पावरफुल बैटरी बन गया है। अब मैं इसका पावर आपको टेस्ट करके एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता हो जाए, प्रूफ भी हो जाए। तो इसको मैं अटैच कर देता हूँ यहाँ पर, और अब देखना गाइस। तो गाइस यार अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 वोल्ट से लेकर 30 यानी कि 9.30 वोल्ट का बैटरी हमारा बन गया है, और 12 वोल्ट का बैटरी नहीं बनाएगा इस, लेकिन मैं इससे कोशिश करूँगा कि आपको चलाकर दिखा दूँ और ये काम भी कर जाएगा। तो इसको मैं निकाल देता हूँ फटाफट से मल्टीमीटर से, और इसको लगा देते हैं साइड, और अब देखना गाइस यहाँ पर। तो सबसे पहले यार इसको हम यहाँ पर एक वायर को कुछ इस प्रकार से इसमें पकड़ लेंगे, हाथ से ही पकड़ेंगे, या इसमें हम चाहे तो बजा देंगे लेकिन नहीं जाएगा यहाँ पर, तो मैं इसे हाथ से ही पकड़ूंगा। और चलो यहाँ पर पकड़ लेता हूँ और अब इसका टेस्ट करते हैं। तो गाइस यार ये थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ये चल भी रहे, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। आप देख पा रहे हैं गाइस काफ़ी फास्ट चल रहा है, हमारा डेमो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है यार, सच में इट्स अमेजिंग एक्सपेरिमेंट यार। आप देख पा रहे हैं ये हमारा पावर दे रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएगा, क्योंकि इसका बैटरी जो है ये पावर तो बढ़ा दिया है लेकिन इसका एम्पियर नहीं बढ़ा पाया है, और ये इसी कारण ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। सो यहाँ पर यार आप देख पा रहे हैं ये चला तो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन ज़्यादा समय तक ये नहीं चला पाएगा। सो यार आपने देख लिया ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है, एक बार और चला कर दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस यार ये अब इतना काफ़ी है टेस्ट करने के लिए, आपको चलाकर दिखा दिया हूँ गाइस कि ये यार 100% काम कर रहा है, ये सही है। और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर इसका जनरेटर भी दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काम की चीज़ होगी। तो यार आज का वीडियो बस यहीं पर, हम मिलते हैं एक नया टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।